मध्य प्रदेश के सतना जिला में नारी शक्ति के आगे न केवल पूर्व पार्षद बेबस दिखाने बल्कि पूर्व पार्षद के संगे आबा हिस्ट्री सीटर बदमाश घलाए वहां से भाग खड़ा भा। अब लोग बता दी कि सलगा मंजर जिला अस्पताल से सहुआबा अस्पताल परिसर में हंगामा की स्थिति निर्मित हो गई, अफरा तफरी के माहौल बन गए। उन्होंने बता दी कि बड़ी बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस वहां मौजूद रही और पुलिस के संहिन या पूरा घटनाक्रम सहुआबा है। बतावा जाता है कि पूर्व पार्षद का बिटिए मार मार के अस्पताल परिसर से बाहर खदेड़ दिन भय। पूर्व पार्षद की पिटाई देख के हिस्ट्री सीटर बदमाश जो उन पार्षद के संगे अस्पताल परिसर माहौल ले पहुंचा रहा तो वहां से दबे पांव भागे मापन भलाई समझे। पूरी घटनाक्रम की जानकारी हम अपना खाते लेके आने तो क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सबजने का प्रणाम कही थे और शुरू कही थे बड़ी खबर से। अपना को बता दे कि सतना से यह मामला सहुआबा है, बिटियन के दबंगई की यह मामला सहुआबा। पूर्व पार्षद का बिटिए न केवल अस्पताल परिसर से बाहर खदेड़ दिन, पूर्व पार्षद का पिटाई देख के वहां मौजूद हिस्ट्री सीटर बदमाश खलाए भाग गए। इस दौरान बड़ी बात यह रही कि पुलिस उपस्थित रही पर बिटियन गाली दे के पूर्व पार्षद का मरते रही। अपना को बताया दे कि पूर्व पार्षद अपने साथिन का लेके साथ में हिस्ट्री सीटर बदमाश पूर्व पार्षद के संगे बताया जा था तो उनका लेके जानकार का देखे खातिर अस्पताल पहुंचे रहे जहां बीटी पूर्व पार्षद का देखते भड़क गई। बतावा जाता है कि कोलगवा थाना क्षेत्र में टाउन हॉल के सौहे चौपाटी में दुपक्षन के बीच जमकर मारपीट भय। राघव राम द्विवेदी अमन तिवारी बताया जा था चौपाटी में सचिन सोनी पार्थ सागल और कृष्णा चतुर्वेदी के साथ मारपीट करी। वहीं घटना में सचिन के सिर फटिका जबकि पार्थ और कृष्णा का घलाई गंभीर चोट पहुंची है। दोनों पक्षन के बीच चौपाटी में विवाद, हालांकि कौने कारण भाई एकर वजह तो समझ नहीं आई पर घायल सचिन सोनी के मुताबिक झगड़ा पुरान बतावा जाते है। घटना में जहां सचिन के सिर फटिका है तो पार्थ के सिर में घलाए 12 टाके अपना बता दी के लगे हम। वह घटना के जानकारी में पुलिस चौपाटी पहुंची रही, घायलन का मेडिकल करावे खातिर जिला अस्पताल लेके पुलिस पहुंची जहां घायल के तरफ से 3 बिटिए और जनता दल में रह चुका विनीत सहगल घलाए पहुंचा। घायलन के इलाज और मेडिकल के बीच पूर्व पार्षद शिव शंकर गर्ग बताया जाता है कि हिस्ट्री सीटर मिक्की सरदार के संगे अपने दूसरे साथी कलई के अस्पताल पहुंच गए। बतावा जाता है कि दौरान सचिन सोनी पार्थ सागल के साथ मारपीट करे वाले शिव शंकर के परिचित रहे। वह जब घायल अस्पताल लाए गए रहे तो हिस्ट्री सीटर मिक्की सरदार और दूसरे युवक के संगे हिस्ट्री सीटर माहौल ले अस्पताल पहुंचा रहा पर माहौल ले हिस्ट्री सीटर का भारी पड़ गया। अपने बता दी कि शिवशंकर का देख के नाराज बिटिए गाली गलौज शुरू कर दिन। बिटिया पुलिसकर्मी के सौहिन शिवशंकर का धकेल के मारपीट करे लगी जहां एक लड़की बतावा जाता है कि शिवशंकर का पकड़ तो उस टाइम तक लड़की का शिव पार्षद गिरा दिन और दौड़त अस्पताल के ओपीडी से बाहर निकल गई। दौरान पुलिसकर्मी बीच बचाव की कोशिश करते रहे पर बिटिए पूर्व पार्षद का बाहर तक पहुंचाई। अपना को बता दी कि अस्पताल के गेट में पार्थ सागल का अस्पताल लेके आवे वाले परिजन विनीत सहगल और बिटियन से शिवशंकर के सामना होगा जिसके बाद शिवशंकर विनीत का पीट दिन। समय तो यह मामला शांत हो गया रहा पर कुछ देर बाद है जब शिवशंकर ओपीडी में पहुंचे तो नाराज बिटिए उनकर पिटाई के दिन चरहू बिटिए शिवशंकर का पकड़े लागी ढकेले लागी। शिवशंकर के साथ जब मारपीट शुरू हो गया तो उनके साथ रहे दूसरे लोग में अफरा तफरी मच गए, कई कई लोग भागे लागे। वहाँ हिस्ट्री सीटर मिक्की ए बीच दबे पांव वहां से निकला मापन भलाई समझे। सपना बता दी कि देर रात तक अस्पताल में हंगामा चला जिसके बाद यह मजमा जो रहा कोलगवा थाने में घलाई लगा रहा। पुलिस अभी मामला के घटना में जांच शुरू कर दी। अपना बता दी कि मिक्की सरदार जो बताया जा था जो पूर्व पार्षद शिवशंकर गर्ग के संगे अस्पताल पहुंचा रहा तो दहशत गर्दी फैलावे खातिर आरोप है मिक्की सरदार के ऊपर। बतावा जाता है कि कुख्यात वारदात 111 गैंग के सरगना मिक्की सरदार बताया जाता। अपने बता दी कि कुछ दिन पहले पुलिस आरोपी का गिरफ्तार घलाए करे रही। वहीं घटना के बाद से अस्पताल पहुंचे कर लेके जो चर्चा के बाजार हबे तक गर्म है। पार्षद के साथ हिस्ट्री सीटर बदमाश के पहुंचा और यह मामला लोगन का समझ में नहीं आ रहा है। एक के बाद अलग अलग लोगन के द्वारा अलग अलग बात कही जाती ला हमारे पूरा घटनाक्रम सहुआबा जहां पूर्व पार्षद का बीटीएन के खासा आक्रोश के सामना करे पड़ा। दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल, प्रणाम। सतना शहर की चौपाटी में देर रात दो पक्षों के बीच राघव द्विवेदी अमन तिवारी और उसके अन्य साथी पुरान के अंदर के चलते